राजनाथ जी यहां पहुंच चुके हैं मंच के लिए वो चल चुके हैं और तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे अगले स्पीकर का तरक्की की चाहत हो या फिर चुनौतियां वो देश की सुरक्षा और देश के अंदरूनी हालात से बहुत करीब से जुड़े होते हैं इस विषय पर चर्चा के लिए देश के गृहमंत्री से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है राजनाथ जी हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे शशि शेखर जी शशि जी आज जो तो राजनाथ जी का कोई परिचय तो आप लोगों को देना नहीं है हमारे ही है हमारे बीच के ही हैं और इसलिए सीधी बात शुरू करता हूँ आज आपसे कुछ आपके घर में कुछ सवाल पूछ लूँ टेढ़े टेढ़े से बिल्कुल जो भी पूछना <laughs> चाहे <है>, पूछ सकते हैं <laughs> मेरे दिमाग में सवेरे से सवाल आ रहा था कि आ, सरकार का जो विरोध करता है थोड़ा डरते डरते सवाल पूछ रहा हूँ कोई मैं भी चपेट में ना आ गृह मंत्री से पूछ रहा हूँ कि, कि एक, एक, इको कर रही है आवाज अब ठीक है तो देश में जो आवाज़ उठाता है आप लोगों के खिलाफ उसको बंद कर दिया जाता है अब अभी तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता बंद कर दिए गए आप उन्हें नक्सल समर्थक कहते हैं कुछ ये भी बात थी कि वो आपकी और प्रधानमंत्री के, के ख़िलाफ़ कुछ बड़ी साजिश रच रहे थे लेकिन वो तो पुलिस का बयान था तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ ज़्यादा सख्ती तो नहीं बरत रही है देखिए यहाँ तक इस देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज का प्रश्न है तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज वे, के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से कमिटेड है हम किसी भी सूरत में इस देश की हेल्दी डेमोक्रेसी के ऊपर किसी को भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाने की इजाजत नहीं देंगे किसी भी सूरत में लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सारे पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए 12 में भी इनमें से बहुत सारे लोगों की बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी 2012 में भी हुई थी और उस समय भी कमो वे इस प्रकार के आरोप थे जिस प्रकार के आरोप उन उनके ऊपर इस समय हैं किसी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना वायलेंस को प्रमोट करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी अपने विचारधारा का सहारा देना और इतना ही नहीं सबसे बड़ी बात किसी देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए तोड़ने की कोशिश करना साजिश करना मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपराध और कोई दूसरा नहीं हो सकता इसलिए जो भी तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार पर ही महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है क्योंकि इस संबंध में जो ही यह कार्रवाई हुई मैंने वहां के मुख्यमंत्री से भी बात किया और इस संबंध में पूरी जानकारी भी मैंने हासिल की कि क्यों गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने बताया मैंने पूछा कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है उसकी भी जानकारी उन्होंने दी अब मामला कोर्ट के विचाराधीन है कोर्ट को ही संबंध में अपना अंतिम फैसला देना है लेकिन कोर्ट ने तो आपकी बड़ी लानत बलाबत की है कि आप प्रेशर कुकर को अगर दबाएंगे तो वो फट जाएगा और उन्होंने जो गिरफ्तारी थी उसको भी नाजायज साबित कर दिया और कहा कि अधिक से अधिक नजरबंद कर लीजिए तो कोर्ट ने तो अपना रवैया साफ कर दिया नहीं पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रेशर कुकर को हम दबाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे डेमोक्रेसी में सबको बोलने की आज़ादी है सबको चलने की आज़ादी है सब कुछ करने की आज़ादी है लेकिन किसी को भी देश को तोड़ने की अथवा देश को डिस्टेबलाइज करने की यह इजाज़त नहीं दी जा सकती अथवा वायलेंस को प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती आपके इस राज का आज में एक नक्सलवाद पे बड़ी प्रभावी लगाम लगी मैं देख रहा हूँ कि आ, मौतों में चौंतीस फीसदी से अधिक की कमी आ गई है 126 जिलों से घट के वो दस बारह जिलों तक सीमित रह गया है तो ऐसे में जब वो टूट रहे हैं तब उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इतना वो कहाँ से डिस्टेबलाइज कर लेते हैं वो लोग देखिए ये सच है कि हमारी सरकार ने नक्सलिज्म के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और काफ़ी हद तक उनका सफाया करने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है आप सबको भी इस बात की जानकारी होगी कि लगभग इस देश के 126 जिले थे जहाँ पर कि नक्सलवादियों के द्वारा हिंसा की घटनाएं होती थी और मैं केवल एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ कि 2001 के बाद लगभग 7000 7000 सात हजार की संख्या में सिविलियंस को मारा है इन लोगों ने उनकी हत्याएं हुई हैं ढाई हजार से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस की हत्याएं हुई हैं लेकिन विगत चार वर्षों में जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई हम लोगों ने की है उसका परिणाम यह हुआ है कि जो नक्सलवाद इस देश के लगभग एक जिलों में प्रभावी था आज वह सिमट कर लगभग दस जिलों में रह गया है लेकिन अब यह दूसरा रास्ता अपना रहे हैं अब शहरों में भी आकर वह बराबर अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं वायलेंस को केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी ले जाना चाहते हैं जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं अपनी एजेंसियों के माध्यम से उन्हीं जानकारियों के आधार पर ही मैं यह बात कह रहा हूँ माओवाद पर भले ही अंकुश लगा हो लेकिन आपकी कुछ नीतियाँ मुझे लगता है कि बहुत सफल नहीं हुई जैसे कश्मीर वहाँ तो पुलिस वाले ही असुरक्षा के शिकार हो गए हैं उनके परिवारजनों को लोग उठा ले जा रहे हैं तो आपको कश्मीर को लेके क्या लगता है कि आखिर ये ये हालात कश्मीर में क्यों डेवलप हो गए इस तरीके के पहले मैं तो ये हालात आज के नहीं पैदा हुए हैं ये मैं समझता हूँ कि सन 80 से ही यदि कहें तो उसके पहले से ही वहां पर हालात कमोबेश कुछ इसी प्रकार के थे लेकिन इतना मैं जरूर देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कश्मीर की समस्या का समाधान हम पूरा का पूरा समाधान देंगे वैसे क्रॉनिक प्रॉब्लम है क्रॉनिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगता है और जिन हमारे जम्मू काश्मीर के पुलिस के परिवार के सदस्यों की किडनैपिंग हुई आपको जानकारी मिल गई होगी कि कि हमारी फोर्सेज ने इतना जबरदस्त प्रेशर बिल्डअप किया है कि अंततोगत्वा सबको छोड़ना पड़ा है सभी परिवार के सदस्य छूट कर बाहर आ गए वायलेंस से किसी भी सूरत में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे यह हमारी सोच है अभी यह भी जानते हैं कि जहां तक कश्मीर की समस्या है एक हमारा पड़ोसी देश है पड़ोसी देश का नाम लेने की जरूरत नहीं है सभी जानते हैं बराबर जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर भारत को तोड़ने की भारत को कमजोर करने की वह तरह तरह की साजिशें करता रहता है जबकि पड़ोसी होने के नाते हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि सारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए आपने देखा कि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं अपनी तरफ से पहल की थी पहल इस सीमा तक कि स्वयं लाहौर की यात्रा उन्होंने तय कर दी बस में बैठकर चले गए वहां पर तो यही संदेश देने गए थे ना और बराबर अटल जी कहते भी थे कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता हमारे प्रधानमंत्री आज के त्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां के प्रधानमंत्री के एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे उनका आग्रह था कि आप आएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पाकिस्तान वासियों को बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ किया हम लोगों ने लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा बाज होना पड़ेगा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए लेकिन आपको नहीं लगता कि कश्मीर में आप लोगों ने सरकार में शामिल होने में जल्दबाजी की अगर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार न बनाई होती तो उस तरह के हौसले बुलंद नहीं होते लोगों के देखिए लोकतंत्र में जनादेश जो प्राप्त होता है उसका सम्मान करना पड़ता है हमसे दो तीन सीटें अधिक थी जिन पर कि पीडीपी ने विजय प्राप्त की थी और भारतीय जनता पार्टी को भी दो सीटें कम मिली थी नंबर एक की सीट पीडीपी थे नंबर दो की भारतीय जनता पार्टी थी कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं थी कि जो अपने स्ट्रेंथ के आधार पर वहां पर गवर्नमेंट बना सके अब उनकी तरफ से भी पहल हुई इधर से भी बातचीत का सिलसिला चला यह तय हुआ कि कामन मिनिमम प्रोग्राम्स के आधार पर हम लोग सरकार चलाएंगे लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं थी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से देखा हम लोगों ने जब ढाई तीन साल में पूरी नहीं हो पाई तब उसके बाद न चाहते हुए भी यह फैसला करना पड़ा है सरकार से हम लोग बाहर आए। ये आपको नहीं लगता एक ऐसा रिश्ता था जिस पे तलाक तय था तो ये तलाक सह... तलाक तय था ऐसा रिश्ता था और वो तलाक सहवती से हो गया क्या कि इतने समय तक करते हैं फिर नहीं करते हैं नहीं नहीं हम लोग तो रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते निभाना भी चाहते हैं और रिश्ते निभाने की कला भी है लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता था कि बिल्कुल ए, तलाक होगा ही मैं मानता था कि ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा और ये जम्मू कश्मीर के हित में है उसके इंटरेस्ट को देखते हुए ही हम लोगों ने यह फैसला किया ये कश्मीर का मुद्दा तो चलिए एक क्रॉनिक मुद्दा हो गया है लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ खालिस्तान के भी सुर सुनाई पड़ने लगे हैं कई गुरुद्वारा में प्रवेश वर्जित हो गया कनाडा में इंग्लैंड में कई भारत समर्थक लोगों की पिटाई कर दी खालिस्तान समर्थक लोगों ने तो ऐसा नहीं लगता कि वो एक बार फिर से एक बुरदार जीवित हो रहा है नहीं होने पाएगा देखिए यहाँ तक इंग्लैंड का सवाल है वहाँ पर लगभग दस लाख से अधिक हमारे सिख भाई रहते हैं लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे पूरी ताकत लगाई उन्होंने कनाडा से भी अन्य दूसरे देशों से भी लोगों को आमंत्रित किया था लेकिन वो संख्या डेढ़ दो हजार से अधिक की नहीं हो पाई थी और इसके पीछे यदि किसी का हाथ है तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई एस आई का हाथ है यह भी खुलकर सामने आया है खुलकर आया है आप लेकिन सबसे खुशी की बात थी कि हमारा हिंदुस्तान का एक भी सिख भाई ऐसा नहीं था जिसने कि उनकी उस कार्यक्रम में शिरकत की हो आप जब जब जैसे खालिस्तान की बात होती है तो मैं एक स्टेबिलिटी का अभाव जैसे देश में पाता हूँ कि आप सफल हुए नॉर्थ ईस्ट में आपकी सफलता बहुत अच्छी है माओवाद के मामले में आप सफल हुए लेकिन चाहे खालिस्तान की ये खदबदाहट हो या कश्मीर का जो हिसाब किताब आप गड़बड़ाया है उससे मुझे ये लगता है कि स्टेबिलिटी का अभाव है हमारी नीतियों में कहीं हम सफल हैं और कहीं हम बहुत ज़्यादा असफल हैं ऐसा आपको क्यों लगता है देखिए यह तो मानेंगे सुरक्षा की दृष्टि से यह देश संकट में था और आप स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि माओवाद के मोर्चे पर हमने कामयाबी हासिल की है इस सच्चाई को भी स्वीकार कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद के मोर्चे पर भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है आप यह भी देख रहे हैं कि जम्मू काश्मीर में यदि हमारे जम्मू काश्मीर के पुलिस के जवानों के परिवार के सदस्यों का अपहरण होता है तो उनको विद इन ट्वेंटी आवर्स उनको जो है छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है इतन, 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 इतनी प्रभावी कार्रवाई हो रही है जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है या क्राइसिस पैदा हुई थी एट्टी फोर और उसके पहले की तो उसको लेकर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सेंस ऑफ एलियनेशन एक अलगाव का भाव हमारे सिख भाइयों के अंदर पैदा किया जाए लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे सिख भाइयों का यहाँ तक सवाल है भारत की संस्कृति भारत की कल्चर की रक्षा करने में जो हमारे सिख भाइयों ने भूमिका निभाई है उसे इस देश का समाज कभी भूल नहीं सकता है कभी नहीं भूल सकता है सिख समाज ने और आपने देखा कि वहां पर इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन किया लोगों ने लगभग डेढ़ दो हजार का लेकिन एक भी सिख भाई हमारे हिंदुस्तान का उसमें शिरकत करने के लिए नहीं गए चले पंजाब ये सीमावर्ती प्रदेशों को छोड़ दे लेकिन देश के अंदर भी आ, मुझे ऐसा लगता है आप लोग जो कुछ फैसले करते हैं उससे यथास्थिति को चोट पहुंचती है जैसे अभी एनआरसी वाला मुद्दा था अब इस एनआरसी वाले मुद्दे ने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिससे कि अलगाव प्रतीत होता है कि बढ़ जाएगा <laughs> देखिए हर दुनिया दुनिया के हर देश को यह चाहिए कि कम यह तो करे कि हमारे देश में कितने स्वदेशी हैं कितने विदेशी हैं तो जो काम अब तक नहीं हुआ कि हमारे देश में कितने स्वदेशी हैं कितने विदेशी हैं इसका फैसला हो यह तय करें हम पहली बार हमारी सरकार ने इस काम को किया है तो हमारी सरकार की तो पीठ थपथपाई जानी चाहिए लेकिन इसे का... और ये भी देखा होगा आपने। 40 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए लेकिन वायलेंस की एक भी घटना नहीं होने पाई इसे कहते हैं सरकार इसे कहते हैं सरकार आप इस वायलेंस को ना होने को चलिए ठीक है लेकिन मैंने इधर देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि दलित बड़े उद्वेलित हो गए आ, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था अभी एक सेशन में अब मैं ए, सोशल मीडिया ट्रेंड देख रहा था हैश टैग एस सी इंडिया गेन गेंस रिजर्वेशन ऐसे तमाम हैं जो कि एकदम से आते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया की बात तो मत करिए नहीं लेकिन लेकिन इसका एक असर हुआ इसका असर ये हुआ कि जैसे अंबेडकर जयंती पे जिस तरह से पूरे देश में लोग निकल आए सड़कों पर अनऑर्गेनाइज तरीके से और उसके बाद एक रिपोर्ट छपी आपकी मेरठ की पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया वो गिरफ्तार इस पर किया कि वो कुछ बाहर से बैठे हुए लोग भड़का रहे थे हिंसा करने के लिए एक ये भी खबर आई कि सौ डेढ़ लोगों का एक ग्रुप है जो कि भारतीय हैं जो कि दलित हैं जो विदेश में रहते हैं वो इसको हवा दे रहे हैं तो ऐसी इस पर तो लगाम लगनी चाहिए कि क्या करेंगे इस पर अरे तो लगाम तो लगा ही रहे हैं लगाम तो लगी ही है पर हिंसा तो हो रही है ना लगाम हिंसा तो हो जा रही है ना जैसे सहारनपुर में हो गई या मेरठ में हो गई या बम्बई में हो गई अरे जब होनी थी तो हो गई अब नहीं होगी नहीं नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> यदि होगी तो कार्रवाई होगी देखिए इस बात की दुनिया का कोई देश गारंटी नहीं दे सकता है कि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई हिंसा होने ही नहीं पाएगी सब तो सब छोटी रामायण काल में चले जाइए राम और रावण के बीच भी संघर्ष हुआ <laughs> तो ये जो और जी जी हुआ जहां, पर मनुष्य है, और जहां तक भारत का सवाल है तो देखें इतना डाइवर्सिफिकेशन है इतनी विविधताएं हैं भारत में वेशभूषा की बोलचाल की सोचने की और भारत की डाइवर्सिटी यानी वहां की विविधता का यहां तक सवाल है आप देखिए भारत हमारा कैसा देश है यदि इसमें कोई छोटी मोटी कोई हिंसा हो गई तो मैं समझता हूं चिंता का विषय तो है लेकिन सरकारें जो भी होती हैं उसको नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं जैसे मैं कहता हूं भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है कोई देश नहीं है अब यहां तक हमारे मुस्लिम भाई यहां पर बैठे हैं मैं कहना चाहता हूं मेरी बात गलत हो तो आज ही यही नहीं बल्कि बाद में भी कोई इसे कंट्राडिक्ट कर सकता है दुनिया में एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है यहां पर कि इस्लाम के सभी फिरके के लोग सभी शक्त के लोग रहते हैं। दुनिया का अकेला देश या भारत है यहां पर कि इस्लाम के सभी फिरके के लोग रहते हैं यह है यह है भारत की संस्कृति लेकिन कुछ ताकतें इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो जो भी भारत में रह रहा है जो भी भारत माता की कोख कोक्ष है, सभी भाई बाई हैं हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं आपने कई बार इस एक बार नाम भी लिया इशारे इशारे में भी कहा तो उस देश में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है पाकिस्तान में नए कप्तान आ गए हैं पहले क्रिकेट के कप्तान थे वो देश के कप्तान हैं आपको लगता है उस हालात को सुधरेंगे उससे अब देखिए अभी तो क्रिकेट खेलते रहते हैं अब राजनीत के मैदान में खेलना है कितना कामयाबी हासिल करते हैं लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो कामयाबी हासिल करें और पड़ोसियों के साथ अपने बेहतर रिश्ते बनाकर रखें हमारी यह अपेक्षा है और इसके लिए भगवान उनको शक्ति दे अल्लाह उनको शक्ति दे यह मैं दुआ करता हूँ अब मैं आपसे कुछ राजनीति पे बात करता हूँ क्योंकि आप भाजपा के लीजेंडरी अध्यक्ष रहे और आज जो अशोबेध हुआ उसका नेतृत्व आपके हाथ पे था 2014 का चुनाव आपकी अध्यक्षता में लड़ा गया और उससे पहले लगातार जीत भाजपा ने हासिल की आपको नहीं लग रहा है कि सारे पुराने दोस्त धीमे धीमे छिटकते जा रहे हैं शिवसेना नाराज हो गई अकाली दल अलग सुर बघाड़ता है उत्तर प्रदेश में कुछ लीडर्स हैं जिनकी आवाज हमेशा अलग आती है ये एनडीए में बिखराव सा नजर क्यों आ रहा है बिखराव क्राव नहीं है थोड़ा बहुत परिवार में हो जाता है परिवार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत चोंच में चोंच मारते हैं कभी-कभी तो ये <laughs> देखिए चोंच में चोंच मारने की बात मैंने क्यों कही है? आपने देखा होगा 10 यहां चिड़िया भी इकट्ठा हो जाती हैं एक दूसरे को कभी-कभी किसी बाप को लेकर कोई दाना चुगना होता है तो वह ना चुगने पाए हम बहुत ले सब चीजें चलती रहती है लेकिन शिवसेना के साथ आपका आज जब NDA, आ, थोड़ा सा बिखराव नजर आता है चोच में चोच सही लेकिन नजर तो आती है कहीं घायल ना हो जाए कोई उसमें कभी कभी चोट से चो लड़ाने में घायल भी हो जाते हैं नहीं 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 मैं जानता हूं कि ऐसी चोच नहीं मारेंगे कि कोई घायल हो लेकिन <laughs> लेकिन पूरे देश में एक एक, एक गठबंधन की एक नई तरीके की शुरुआत हो रही है राजनीति की और कुछ अलग अलग ट्रेंड दिखाई पड़ते हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला अचानक जाते हैं ममता बनर्जी के पास दो दिन रहकर आते हैं अचानक शरद पवार जो है वो किसी और से मिलने लगते हैं तो कोई खेल सामने से खेल रहा है कोई खेल पीछे से खेल रहा है अगर ये सारा विपक्ष एक हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि वो पुराने दिन लौट आएंगे जब एक सबल पार्टी को भी पराजित होने की स्थिति आ जाती है नहीं नहीं देश की जनता फैसला करेगी क्योंकि इतनी बात तो मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने इस देश की जनता के अपेक्षाओं को पहचाना है और उन अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है हमारा देश चाहता क्या है हमारा देश चाहता है कि भारत गरीब देशों के रूप में पहले सारे विश्व में जाना जाता था अंतर्राष्ट्रीय जगत में बाद में विकासशील देश के रूप में भारत की एक पहचान बनी डेवलपिंग कंट्री हम चाहते हैं कि भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में एक विकसित राष्ट्र के रूप में और एक स्वर्धशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आए अब कोई यह कह सकता है कि भाई यह तो आपकी बहुत ही एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है मैं उदाहरण देना चाहता हूँ और यहाँ जो बैठे हैं महानुभाव और आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि मेरी बात गलत हो तो आप उसे कंट्राडिक्ट करिएगा आपने देखा होगा कि आज हिंदुस्तान के ऐसे हालात पैदा हो गए कि विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि कोई कंट्री है देश तो हमारा है ग्रोथ रेट को लेकर चर्चाएं होती थी आपने देखा होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था पहला जो तीन महीने थे उसमें हमारी जी की ग्रोथ रेट भी अप्रोक्सीमेटली 8.2 पॉइंट टू परसेंट पहुंच गई यानी हम चाइना से भी आगे निकल गए और सबसे बड़ी बात जो लोगों के ध्यान में नहीं आई एग्रीकल्चर सेक्टर का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इस देश की आधे से अधिक आबादी किसी एक पेशे में लगी हुई है तो खेती के पेशे में लगी हुई है स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इधर हाल फिलहाल एक लगभग पच्चीस चालीस वर्षों पच्चीस तीस चालीस वर्षों की बात मैं कर रहा हूं पहली बार यह हुआ है कि एग्रीकल्चर की ग्रेट ग्रोथ रेट जो दो, दो फीसदी डेढ़ फीसदी ढाई फीसदी साढ़े तीन फीसदी कभी कभी चार फीसदी के आसपास पहुंच जाती थी इस साल ये हो गया फाइव पॉइंट वन परसेंट पहुंच गए आगे बढ़ रहा है यहां तक गरीब झोपड़ी में रहने वाला है जो ऐसा इंसान था देश के इकोनॉमिक सिस्टम से देश के अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ नहीं था भले ही 1969 में इस देश का नेशनलाइजेशन क्यों न हो गया हो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का बैंक तो उस समय इंदिरा जी ने भी मैं इंदिरा जी की आलोचना नहीं करता हूं इंदिरा जी की भी मंशा देश को बनाने की थी देश को बढ़ाने की थी उन्होंने भी सोचा होगा कि बैंकों का हम राष्ट्रीयकरण कर दें तो बैंकों के द्वारा जो लाभ मिलता है वह आम नागरिक को मिलने लगेगा यानी समाज की जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं लोग उसको भी इसका लाभ मिलने लगेगा नहीं हुआ बहुत बड़ी आबादी थी लगभग तीस बत्तीस करोड़ की जो कि वह बैंक के साथ उनका कोई मतलब नहीं था कोई रिश्ता नहीं था पहली बार प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 32 करोड़ नए अकाउंट्स खुले हैं पहली बार हर परिवार के अकाउंट बैंक में खुल गया है यानी आम गरीब को भी हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया है पहली बार और आज जिस हम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की लॉन्चिंग यहां से करने जा रहे हैं और आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी आज उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं आज मैं लखनऊ में कर रहा हूं अब गांव में बैठा हुआ झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि कोई छोटा मोटा भी यदि कोई काम करता है तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर सकता है पोस्ट ऑफिस में निकाल सकता है अब तक वहां सेविंग बैंक के रूप में वह काम करता था लेकिन अब करंट अकाउंट की भी सुविधा इस बैंकों में बिल्डी शुरू हो जाएगी मैंने आम लोगों को बैंक के साथ हमने अब जोड़ दिया है आपको नहीं लगता कि इससे सब का कंट्रीब्यूशन इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हो इस सोच के आधार पर यह किया है हम लोग आपको नहीं लगता कि इससे पहले से खस्ता होते हुए बैंक और बुरी हालत में चले जाएंगे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं आपके नेशनलाइज बैंक हैं उनकी हालत बहुत खराब है आपको नहीं लगता कि इससे उनको और चोट पहुंचेगी ना यह तो तब होगा जबकि देश के आम लोगों की हालत आर्थिक हालत दिनों दिन कमजोर होती चली जाएगी बिगड़ती चली जाएगी तब होगा एक तरफ 8.3 पॉइंट थ्री परसेंट लेकिन यदि बैंक से कोई कर्ज लेता है उससे उत्पादन करता है मुनाफा कमाता है कर्ज जमा करता है विद इंटरेस्ट जमा करता है दूसरे बैंकों की हालत खराब नहीं होने पाएगी एक तरफ 8.3 परसेंट का आंकड़ा है लेकिन लोग जीडीपी का आंकड़ा नहीं समझते उन्हें समझ में आती है पेट्रोल डीजल की महंगाई उन्हें जब रुपया गिरता है तो जो उनकी जेब पे असर पड़ता है वो समझ में आता है आप इस संबंध में क्या कहते हैं कि ठीक है वो आंकड़े सही हैं लेकिन ये जो आम आदमी को थोड़ा थोड़ा चुभता रहता है रोज इस पर अंकुश कैसे देखिए इसमें से भी हम लोग कोई अवसर निकाल लेंगे आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण जो है डॉलर मजबूत हुआ है रुपया कमजोर हुआ है ऐसा नहीं है कि केवल भारत का रुपया कमजोर हुआ है भारत की करेंसी की वजह से हुआ है टर्की की करेंसी है लीरा लीरा में गिरावट आई है टर्की की करेंसी में और गिरावट आने के कारण दुनिया की जो भी इमरजिंग कंट्रीज हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज इमरजिंग मार्केट्स तो इमरजिंग मार्केट्स की भी करेंसी में गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं अवसर हम इसमें से क्या निकालेंगे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और आईटी का एक्सपोर्ट हमारा और अधिक बढ़ेगा इसमें से भी हम भारत को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके यह हम इसकी कोशिश करेंगे और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी थी और साथ ही साथ डॉलर भी मजबूत हुआ था यानी उस समय भी रुपया कमजोर हुआ था तो बाहर के इन्वेस्टर्स तो छोड़ दीजिए बाहर के इन्वेस्टर्स ने भारत में इन्वेस्टमेंट करना उस समय कम कर दिया था और लग रहा था कि बंद हो जाएगा इतना ही नहीं हमारे भारत के भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हो रहे थे लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है डॉलर मजबूत हुआ है रुपया फिलहाल कमजोर हुआ है फिर भी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत को छोड़कर जा नहीं रहे यह सबसे बड़ी बात है अगर सरकार ने इतना स्ट्रांगली काम किया आपने किसानों की बात कही आप उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को हमेशा इस देश का जो इमोशंस है उसको छेड़ने की जरूरत कैसे पड़ती है मैं मैं उदाहरण देता हूँ मैं उदाहरण देता हूँ आपने अभी कहा कि ओ की गणना की जाएगी दो हजार में और ओ की गणना को कई बार विभिन्न वजहों से टाला गया उसे माना गया है सामाजिक सद्भाव के लिए शायद खतरा हो जाए तो ये ऐसा तो नहीं कि ये 2019 को देख के इस तरीके की एक बात नहीं, और नहीं नहीं, नहीं, नहीं। जी देखिए इसके पहले भी जनगणना जाति के आधार पर हुई थी 1930 में 1930 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम इसकी जनगणना पुनः इस आधार पर हम कराएंगे रिजर्वेशन का लाभ मिलता है पिछड़े वर्ग को इसे तो आप स्वीकार करेंगे रिजर्वेशन का लाभ मिलता है ठीक चीजें ठीक तरीके से जो लाभ जिसको मिलता है वह सही तरीके से मिल सके इसके लिए सरकार को इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए ना किस कास्ट किस सेक्शन के कितने लोग हमारे भारत में रहते हैं यदि ये रिजर्वेशन सिस्टम न होता तो मैं बताऊं इस कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन है यदि रिजर्वेशन सिस्टम तो सरकार अंधेरे में रहे और अंधेरे में टीरी चलाती रहे उससे तो बेहतर है इस बात की जानकारी हो जाए कि हमारे यहाँ यस के कितने लोग रहते हैं एस के कितने लोग रहते हैं ओ के कितने लोग रहते हैं इसलिए बहुत ही ईमानदारी से कोशिश की है और मैं एक यह भी बतलाना चाहता हूं कि अभी आगे देखते जाइए बहुत कुछ होगा बहुत कुछ होगा समाज के सभी सेक्शन का सभी वर्गों का हम लोग ध्यान रखेंगे सभी वर्गों का कोई भी इस समाज का कोई भी वर्ग अपने को इग्नोर्ड या महसूस न करने पाए इसकी बराबर हम लोग चिंता करते हैं ऐसा लगता है कि सरकार के सारे दावों के बावजूद कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं उसमें एक रूपता या एक समानता नहीं है जैसे गोरक्षा की बात करो आप लोग दल प्रतिज्ञा हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए गौवंश की रक्षा के लिए लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है बीफ का निर्यात जो है कर कर के संसार का पाँचवें स्थान पर बीफ का निर्यात कर दिए भारत जो है पाँचवें नंबर का निर्यातक देश बन गया इस मामले में तो हम इस इसमें कहीं आपको लगता है कि ये दो तरफा रवैया है नहीं पहले पहले से काफ़ी कम हुआ है निर्यात बहुत कम हो गया है पहले से घटा है निर्यात इस समय चूंकि ऐसा प्रश्न है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है नहीं तो मैं आंकड़ा बतला देता निर्यात में कमी आई है ये आ, सवाल जो है बड़ा घिसा पिटा सा है लेकिन आपके लिए यदि कोई बैठा हो तो अपने लैपटॉप से देख ले कि जो मैं कह रहा हूँ सही है कि गलत है क्या जो जो मेरी जानकारी है उसमें कमी आई है ये नहीं ये, ये कह रहे हैं कि बैल के बैल के मांस के निर्यात बढ़ा है बैल का मांस हाँ ये वो बैल का मांस का निर्यात अभी

हर साल चुनाव हर साल चुनाव इस संकट से भी तो कम से कम इस देश को निजात मिल जाए तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने पहल की है कि सारे चुनाव यदि एक साथ हो जाए ठीक है नहीं हो सकते तो कम से कम असेंबली के और लोकसभा के साथ हो जाए और लोकल बॉडीज के भी चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों तो हमारी ग्राम पंचायतें हों इनके चुनाव सब एक ही साथ करा दो बार, दो बार से ज्यादा पांच वर्ष में लोगों को मतदान करने के लिए न जाना पड़े इसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता होगी और पार्टियों को कैसे साथ में लीजिएगा और पार्टियों को साथ में कैसे लीजिएगा अन्य पार्टियों को साथ में कैसे लीजिएगा नहीं मैं सुनता हूँ राजनीतिक पार्टियों को भी देश हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं आपकी हुकूमत में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं आपके ही मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 2014 से लेकर 2018 तक नौ राज्यों में 40 लोग मार दिए गए इससे पैंतालीस और 40 घटनाओं में 45 लोग मार दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप भी बोलते हैं प्रधानमंत्री भी बोलते हैं लेकिन हो तो रहा है ये देखिए मैं तो संसद में भी यदि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मेरी स्पीच हुई थी उस समय भी पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि नहीं होनी चाहिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बहुत ही अनफॉर्चुनेट वैसे सबसे बड़ी घटना मॉब लिंचिंग हुई है तो एट्टी फोर में हुई है चौरासी में हुई है सबसे बड़ी घटना अब दंगे और लिंचिंग को आप लोग जोड़ के उसको डायल्यूट कर रहे हैं तो तो आ, पर देखा हाँ। जनता तो लेकिन इसको भी बहुत पूर्वक मैंने लिया है आप लोगों ने शायद समाचार पत्रों में पढ़ा होगा माप लिंचिंग की घटना को लेकर मैंने एक कमेटी अपने होम सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में बनाई है जिसमें कि चार सीनियर ऑफिसर्स हैं जिसमें कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी मैंने रखा है परसों ही हमारे उस कमेटी ने आकर मुझे वह मॉब लिंचिंग रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए इसके बारे में एक रिपोर्ट हमको सबमिट की है और जल्दी ही जहाँ कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होगी हम कानून में संशोधन करेंगे 2014 में जो पार्टी सोशल मीडिया का सहारा लेकर इतना आगे बढ़ी और जिससे सोशल मीडिया का एक उफान और तूफान पैदा कर दिया पूरे देश में अब वही पार्टी कह रही है कि 2018 में जब उल्टा पड़ने लगा थोड़ा सा कि नहीं हम इस पर अंकुश लगाएंगे तो ये सोशल मीडिया को लेके आपकी के आकर्षण और विकर्षण दोनों के बीच के रास्ते का रहस्य क्या है भाई देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया उस समय नया नया शुरू हुआ था अब ऐसा नहीं सोशल मीडिया के कारण ही हमारी सरकार बन गई ऐसा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री की एक लोकप्रियता गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने काम किया था उसके कारण भी एक लोकप्रियता उनकी थी सारे देश में वह लोकप्रियता थी उसके कारण जो है सरकार बनी है, उस समय की कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट से चूंकि दस वर्षों तक चली थी लोग अपेक्षाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई थी जनता ने उसका विरोध किया था स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा हमसे थी और लोगों ने हमारी सरकार बना दी है सरकार चल रही है और आगे भी ये सरकार चलेगी हाँ लेकिन फेक न्यूज का आना इसे सरकार को रोकना पड़ेगा प्रोनोग्राफी जितनी भद्दी भद्दी अश्लील चित्र अश्लील बातें जो आती हैं इसे भी रोकना तो किसी सरकार की जिम्मेदारी है ना हम कैसे इजाजत इस बात की दे दें कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखें वो। और इस काम के लिए हमारी होम मिनिस्ट्री ने पहल की है इन चीजों को हम रोकेंगे आपने मैं फिर अपने सवाल पर आता हूँ कि आप लोग रह रहे के ऐसे सुरताल छेड़ देते हैं जिससे लोग दुखी हो जाते हैं अब ये एस सी एस टी एक्ट को इतना ज़्यादा कठोर आप लोगों ने बना दिया और उससे समाज के बहुत बड़े वर्ग में ये भय व्याप्त हो गया कि हमारे ऊपर उत्पीड़न होगा आपको क्या लगता है नहीं इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ किसी का उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होने पाएगा और वो तो और, का इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ यह कोई नया कोई एक्ट नहीं बना है जो पुराना एक्ट था वही पुराना एक्ट है यह कांग्रेस के समय भी था अटल जी के समय भी था वही एक्ट आज भी है उसके दुरुपयोग के बाद ही तो उस पर अंकुश की बात एक, एक चीज दुरुपयोग यदि कहीं पर होगा तो राज्य सरकारें उसका संज्ञान लेंगी जैसे मुझे जानकारी मिली है कि शायद यहां की सरकार ने भी कुछ एंटीसिपेटरी बेल वगैरह का कोई प्रोविजन किया है यहां जो मुझे जानकारी मिली है क्या है कैसे लेकिन यह हम इंश्योर करेंगे किसका दुरुपयोग न होने पाए आप कैसे इंश्योर करेंगे क्योंकि स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। कुछ, है कुछ स्टेट्स में आप हैं कुछ स्टेट्स में आप नहीं हैं आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो हम जहाँ नहीं होंगे वो क्या कोई वहां की सरकार भले ही दूसरे राजनीतिक पार्टी की हो वो अत्याचार करने देगी किसी को नहीं करने देगी लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के हित को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमको इस पर विचार करना चाहिए ताकि परस्पर किसी प्रकार की कटुता और कड़वाहट न पैदा होने पाए इससे आपका एक बड़ा वोट बैंक छिटक नहीं सकता है 2019 में आपको इससे इस एक्ट की वजह से आपका एक बड़ा वोट बैंक नॉर्थ इंडिया में छिटक सकता है आपसे उसके लिए कुछ आप लोग कोशिश कर रहे हैं नहीं नहीं वही नहीं छिटकेगा बहुत समझदार लोग हैं भारत के लोग अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो गए हैं चीजों को समझते हैं और कम से कम इस देश की जनता को इस बात का भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कोई ऐसा नहीं काम करेगी जिससे देश टूट जाए वही काम करेगी जिससे देश एक ताकतवर देश बन जाए लोगों को विश्वास है भरोसा है ये सवाल मैंने आपसे दो बार पहले भी पूछा है या तीसरी बार पूछ रहा हूं और दोनों बार लखनऊ में यही पूछा है क्या डॉन को पकड़ना वाकई नामुमकिन है पड़ोसी के घर में है <laughs> <laughs> दोस्तों ये थे दे, देखा जाएगा भविष्य में जो नहीं ये सवाल भी <laughs> मैंने पूछा था आपका आप आपकी जो 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 आपकी जो जो आपकी प्लीज जो आपकी मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ बातें कह रही है तो डॉन पकड़ा भले ही न जाए लेकिन डॉन कुछ और हो सकता है क्या में, बोल नहीं सकते <laughs> <आये>। <laughs> दोस्तों राजनाथ जी से बात करना हमेशा हम हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक अनुभव रहता है आज भी अनुभव बहुत अच्छा था और आपने देखा होगा इनकी विनम्रता को जो आंकड़ा याद नहीं था साफ साफ बोल दिया मेरे पास आंकड़ा इस समय मौजूद नहीं है समय कम है सवाल आप लोगों के मन में भी हैं लेकिन समय रोकता है और समय ने आज फिर एक बार रोकने की कोशिश की है बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी बहुत 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 देवार, देवार, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद राजनाथ जी दो पल आप हमें और दीजिए क्योंकि मैं देव प्रताप मुखर्जी सीआरओ लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आपको हिंदुस्तान की तरफ से हम सबकी तरफ से भेंट करें तालियां भी नहीं बजेंगी डॉन भी चाहिए ऐसे कैसे होगा <laughs> <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी